हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इसके क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। एमसीक्यूज भी देखेंगे एज वेल एज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। लगभग 60-70 क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। इससे पहले के 4 चैप्टर में अलग से अपलोड कर चुका हूं, तो उनके क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हो, ठीक है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल तीनों के ही क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूं, ठीक है, तो उनको आप चेक कर लेना। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम का। पहला है, हु बिकेम पीएम आफ्टर नेहरू। नेहरू जी की डेथ के बाद पीएम कौन बनते हैं? तो नेहरू जी की डेथ के बाद पीएम बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। आप सबको बताएं, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 से लेकर 1964 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, और इंडिया में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम के नाम से भी, मतलब इन्हीं का नाम है, मतलब सबसे ज्यादा पीएम पद पर रहने वाले सबसे लंबे समय तक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, और लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से लेकर 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। 1966 में इनकी डेथ हो जाती है। फिर इनके बाद आती है इंदिरा गांधी, ठीक है। तो पहले तो ये ध्यान रखना, नेहरू जी के बाद कौन आते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। हाउ मेनी सीट्स डिड कांग्रेस लीडर्स गेट इन 1971 इलेक्शन? 1971 के इलेक्शन में जब इंदिरा गांधी लड़ी थी तो कितनी सीट मिली थी? 352 मिली थी। गरीबी हटाओ, देखो 1971 का जब इलेक्शन था तो दो ग्रुप बन गए थे, एक तरफ था ग्रैंड अलायंस और दूसरी तरफ था इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस। तो इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, और ग्रैंड अलायंस ने एक स्लोगन दिया था इंदिरा हटाओ, ठीक है। तो ये गरीबी हटाओ वाला जो स्लोगन है ये किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से लीडर कौन फाउंडिंग लीडर माने जाते हैं? राम मनोहर लोहिया, ठीक है, राम मनोहर लोहिया। इन्होंने ही, राम मनोहर लोहिया जी ने ही इंदिरा गांधी को डम डॉल बोला था, डम डॉल, गूंगी गुड़िया। जय जवान जय किसान का जो स्लोगन था ये किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। कब दिया था? जब 1965 के वॉर के टाइम पर दिया था, किसानों को सपोर्ट करने के लिए और जवानों को सपोर्ट करने के लिए। बांग्लादेश कब बना? 1971 में बना था, पता ही आपको। नेहरू जी की डेथ कब होती है? मई 1964 में नेहरू जी की डेथ हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ कब होती है? 1966 में हो जाती है। किस डिकेड को डेंजरस डिकेड बोला गया था? 1960s का जो डिकेड है, 1960s के डिकेड को डेंजरस डिकेड बोला गया, क्योंकि इस समय आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी समस्याएं हुई थी। 1962 का इंडिया चाइना वॉर हुआ था, 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है, इसी में आपके लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है, इसी में आपको देखने को मिलेगा 1969 में कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है। तो मतलब बहुत सारी घटनाएं, इसी में आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो जाती है, फेमाइन जैसी कंडीशन आ जाती है, फूड क्राइसिस आ जाती है। तो इसलिए 1960 का जो डिकेड है इसको बोला जाता है डेंजरस डिकेड। लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम बनते हैं इंडिया के कब से कब? 1964 से 1966 के बीच में। डीएमके पार्टी के फाउंडर कौन थे या किसने बनाई थी? सी नटराजन अन्नादुरई। ध्यान रखना, डीएमके पार्टी कहाँ की है? तमिलनाडु की है। कहाँ की है भाई? तमिलनाडु की है, ठीक है। आज भी आप देखो तमिलनाडु में डीएमके पार्टी का ही रूल है। ताशकंद एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 1966 में साइन हुआ था। ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में है, और पहले ये यूएसएसआर का पार्ट था, और यहाँ पर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे और अयूब खान गए थे पाकिस्तान की तरफ से। 10-पॉइंट प्रोग्राम जो इंदिरा गांधी लेके आई थी इसको, या कांग्रेस लेके आई थी, कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था? 1967 में। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन किसने किया था? 1984 में असैसिनेशन किया था, इसके 2 सिख बॉडीगार्ड थे, उन्होंने असैसिनेशन कर दिया था। इन लीडर्स में से कौन से लीडर हैं जिन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म की स्ट्रेटेजी को दिया था? तो वो थे राम मनोहर लोहिया, ठीक है। ये कब की बात है? जब 1967 का 4th जनरल इलेक्शन चल रहा था, 4th जनरल इलेक्शन होने वाला था, तब इन्होंने बोला था कि सभी नॉन कांग्रेस पार्टी को एक होने की जरूरत है, तभी इंदिरा गांधी को डिफीट किया जा सकता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। स्लोगन गरीबी हटाओ कब यूज किया गया था? 1971 के इलेक्शन के टाइम पे यूज किया गया था। फैक्शनल राइवलरी बिटवीन सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी केम इन ओपन। देखो सिंडिकेट क्या था? कांग्रेस के अंदर जो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे उनको हम सिंडिकेट बोलते हैं। इनके बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में जो दुश्मनी है, एक प्रकार से टकराव कब पैदा होता है? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 में पैदा होता है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू डेथ हो जाती है, गुजर जाते हैं, तो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? जब मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे के कामराज थे, है ना। 1971 का जब जनरल इलेक्शन हुआ था तो अपोजिशन पार्टी ने मिलकर इंदिरा गांधी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ एक अलायंस बनाया था, डेट वॉज नोन एज ग्रांड अलायंस। और ग्रांड अलायंस ने एक स्लोगन दिया था इंदिरा हटाओ, इंदिरा को हटाओ, और इंदिरा ने क्या दिया था? गरीबी हटाओ। क्या सक्सेसफुल हुआ? गरीबी हटाओ।
एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट बिगेन इन इंडिया 1989 में आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल लेवल पर। कौन से लेवल पर? सेंट्रल लेवल पर पहली बार मतलब आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस बुरी तरह से, पहली बार तो नहीं पर एक तो 1977 में कांग्रेस हार गई थी, मगर 1989 में ऐसा सिस्टम बना कि यहां से आप कह सकते हो कांग्रेस सिस्टम का एंड हो जाता है और शुरुआत हो जाती है कोलिजन एरा की शुरुआत हो जाती है ना। आयाराम गयाराम जो है शब्द किससे संबंधित है? डिफेक्शन से संबंधित है, पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन, जहां पे कोई भी एमपी एमएलए अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। शास्त्री जी की डेथ कहां पर हुई थी? उज्बेकिस्तान में ताशकंद में हुई थी शास्त्री जी की डेथ, जब ये 1966 में ताशकंद समझौता करने गए थे तब हुई थी। इंदिरा हटाओ देश बचाओ ये स्लोगन किसने दिया था? जय प्रकाश नारायण। इंदिरा हटाओ देश बचाओ जय प्रकाश नारायण ने दिया था ये स्लोगन। पहला न्यूक्लियर टेस्ट हमने कब किया था? 1974 में। दूसरा कब किया था? 1998 में, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। फोर्थ जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 1967। सारे जनरल इलेक्शन देख लो, पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 1951-52 में और दूसरा जनरल इलेक्शन हुआ था 1957 में, थर्ड जनरल इलेक्शन हुआ था 1962 में, फोर्थ जनरल इलेक्शन हुआ था 1967 में और फिफ्थ जनरल इलेक्शन हुआ था 1971 में। ऐसे ही इनको याद रखना आप, ठीक है, तो 1967 सही है। फैक्शंस ऑफ कांग्रेस पार्टी डिड इंदिरा बिलोंग्स? देखो 1969 में आप सबको बताएं कांग्रेस टूट जाती है दो भागों में, एक तो बन जाती है INCO, एक बन जाती है INCR, ठीक है। तो INCR वाली जो कांग्रेस थी वो थी रिक्विजनिस्ट वाली कांग्रेस, जो इंदिरा गांधी बिलोंग करती थी वो वाली जो कांग्रेस थी वो ऑर्गेनाइजेशनल, इस ये सिंडिकेट वाली कांग्रेस थी है ना, बड़ऊ वाली ओल्ड कांग्रेस और ये न्यू कांग्रेस। तो इंदिरा गांधी किससे बिलोंग करती थी? INCR से बिलोंग करती थी, कांग्रेस आर से बिलोंग करती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ कब होती है? 1964 में होती है हार्ट अटैक से। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? स्लोगन लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इंडो चाइना वॉर 1962 के टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इस समय डिफेंस मिनिस्टर थे वीके मेनन, ये भी आपको पता होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ 10 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान में होती है। फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967 में हुआ था, ठीक है। 1969 में कौन से प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है? जाकिर हुसैन की डेथ हो जाती है, जिसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है जहां पर वीवी गिरी जीत जाते हैं। कौन जीत जाते हैं? वीवी गिरी जीत जाते हैं और नीलम संजीवा रेड्डी हार जाते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी के द्वारा कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए थे? तो इंदिरा गांधी ने 14 बैंक का नेशनलाइजेशन किया था, प्राइवी पर्स को खत्म कर दिया था, जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे प्रिंसिपल स्टेट को उसको खत्म कर दिया था, लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे और बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जिससे गरीबों का भला हो सके। फिफ्थ जनरल इलेक्शन आपको बताया कब हुआ था? 1971 में हुआ था, अभी बताया था। और फिफ्थ जनरल इलेक्शन के दौरान इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया था, दैट वॉज गरीबी हटाओ। फिफ्थ जनरल इलेक्शन के दौरान अपोजिशन ने क्या स्लोगन दिया था? इंदिरा हटाओ, है ना। सिंडिकेट क्या है? कांग्रेस के अंदर जो इन्फ्लुएंशियल लीडर हुआ करते थे, पावरफुल लीडर हुआ करते थे, उनको हम बोलेंगे सिंडिकेट्स, जो इंदिरा के खिलाफ थे। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? सपोज कोई व्यक्ति है, मान लो ये व्यक्ति राम है ना, कांग्रेस से चुनाव जीत गया और बाद में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चला गया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिफेक्शन। तो जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है एक पार्टी से मगर चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डिफेक्शन बोलते हैं। किस डिकेड को डेंजरस डिकेड का दर्जा दिया गया? 1960s को। नेहरू जी की डेथ के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? के कामराज थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट। 10-पॉइंट प्रोग्राम कब आया था? मई 1967 में आया था। और 1969 का जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था तो उस समय कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट कौन थे? एन संजीवा रेड्डी थे और स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर कौन थे? सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र पार्टी कब बनी थी? 1959 में बनी थी। पहला भारत रत्न अवार्ड किसको मिला था? सी राजगोपालचारी जी को ही मिला था। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? भारतीय, वो थे आपके सी राजगोपालचारी। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे फ्री इंडिया के? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय जनसंघ के फाउंडर कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप पिछले वीडियोज में पढ़ चुके होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, रिविजन हो रहा है ना, डोंट वरी। कौन सी पार्टी ने 3 इलेक्शन में डोमिनेट किया था? दैट वॉज कांग्रेस पार्टी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। गरीबी हटाओ किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में दो चार बातें बताइए तो सुनो भैया। लाल बहादुर शास्त्री जी सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आफ्टर डेथ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1964 से 1966 के बीच में प्रधानमंत्री रहते हैं। इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी पार्टिसिपेट किया था। फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान इन्होंने ही दिया था। और ताशकंद एग्रीमेंट साइन करने गए थे कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में, और वहीं पर इनकी अचानक डेथ हो जाती है। कहते हैं कि भाई मिस्टीरियस डेथ हुई थी, खाने में कुछ मिला दिया गया था। तो 10 जनवरी 1966 को इनकी डेथ हो जाती है और ये भारत के प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान 1965 में, ये भी आप बता सकते हो। और भी लिख सकते हो बहुत सारी चीज़ें।
एक्सेस द रोल प्लेड बाई द डिफेक्शन ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स। अब देखो डिफेक्शन में क्या होता है, कोई भी एमपी एमएलए जिस पार्टी से चुनाव लड़ाए वो जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक तो भाई पॉलिटिक्स अनस्टेबल हो जाती है, किसी की भी सरकार गिर सकती है, किसी भी पार्टी को ये गिरा सकते हैं ना, तो ये बड़ा डेंजरस खेल है। दूसरी बात, इसकी वजह से करप्शन बढ़ता है। मान लो कोई व्यक्ति कांग्रेस से जीत गया है ना, सपोज कोई भी जीत गया, मिस्टर एक्स जीत गया और बीजेपी ने उसको खरीद लिया, मान के 10 करोड़ देंगे या 100 करोड़ देंगे, ऐसे करके खरीद लेते हैं, तो ऐसे करप्शन की टेंडेंसी बढ़ती है ऐसे ना। कांग्रेस और कांग्रेस आर में क्या डिफरेंस है, अब मैंने बताया था सिंडिकेटिव वाली जो कांग्रेस थी उसको ओल्ड कांग्रेस या कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस थी उसको न्यू कांग्रेस या कांग्रेस आर भी बोलते हैं। नेम द लीडर हु वाज स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ऑफ द यूज ऑफ इंग्लिश, उस लीडर का नाम बताओ जो इंग्लिश के यूज के खिलाफ थे, तो वो थे कर्पूरी ठाकुर। डीएम के पार्टी बनाने वाले कौन थे, सी नटराजन अन्ना दुरई। और नेम द लीडर हु रिजाइन द कैबिनेट मिनिस्टर टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेलवे एक्सीडेंट, रेलवे का एक्सीडेंट होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने रेल मिनिस्टर से क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। कामराज प्लान क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। के कामराज आपको पता है मद्रास के सीएम भी रहे थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे। इनका मानना था कि कांग्रेस के अंदर जो सीनियर कांग्रेस मेंबर है उनको रिजाइन कर देना चाहिए और यंग पार्टी वर्कर्स को ऑप्शन देना चाहिए ताकि पॉलिटिक्स में नए नए लोग आएँ, यंग लोग आएँ और देश का भला करें। मेकर ऑफ मॉडर्न कर्नाटका किसको कहा जाता है, एस निजलिंगप्पा को कहा जाता है, एस निजलिंगप्पा। ओके, नॉन कांग्रेसिज्म वर्ड किसने दिया था, राम मनोहर लोहिया ने दिया था। पहली बार बिना नेहरू के इलेक्शन कब हुआ था, फोर्थ जनरल इलेक्शन हुआ था 1967 में, इंदिरा गांधी लड़ रही थी। जब इंदिरा गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट कब बनी थी, 1958 में बनी थी। और हूँ अपोज्ड इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एंड लेड एंटी हिंदी एजिटेशंस, तो किस व्यक्ति ने हिंदी को लागू करने के खिलाफ अपोजिशन किया था और एंटी हिंदी आंदोलन किए थे, तो वो थे सी नटराजन अन्नादुरई, जो कि फाउंडर थे डीएमके पार्टी, द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम। 1968 से 1971 के बीच में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, एस निजलिंगप्पा रहते हैं। इन्होंने ही इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया था, ये भी आप ध्यान रखना, जब इंदिरा गांधी पीएम थी तब भी इनको कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया था। 1969 से 1974 के बीच में भारत के प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, वीवी गिरी रहते हैं। फिफ्थ लोकसभा के इलेक्शन कब हुए थे, फरवरी 1971 में हुए थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच कैंडिडेट डिड इंदिरा गांधी सपोर्ट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969। देखो 1969 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट थे उस समय उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने अपना ऑफिशियल कैंडिडेट चुना था नीलम संजीवा रेड्डी को और इंदिरा गांधी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वीवी गिरी को सपोर्ट किया था। रिजल्ट ये रहा, वीवी गिरी जीत जाते हैं, नीलम संजीवा रेड्डी हार जाते हैं। और इसके बाद इंदिरा गांधी ने प्रूव कर दिया कि आई एम द सुप्रीम वन इन कांग्रेस, अब मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। यहां से इंदिरा गांधी का दबदबा बढ़ जाता है और यहीं से फिर आपको देखने को मिलेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो डिवाइड हो जाती है, एक तरफ आईएनसी ओ बन जाती है पुरानी वाली, एक तरफ रह जाती है आईएनसी आर जो नई वाली कांग्रेस थी इंदिरा वाली। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स को आपको लिख लेना है, 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, सून वी विल फिनिश दिस बुक। ठीक है, और दूसरी बुक के भी हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे, सो दैट आपके छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन में मार्क्स कटने की गुंजाइश ना रहे। सो खुश रहो, मुस्कराते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल।